ई फ्रेंड्स गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू हैप्पी गोवर्धन पूजा सो गोवर्धन पूजा आप लोग अभी आज है गोवर्धन पूजा है और कल मैंने आप लोगों को बताया था दीपावली के अवसर पे कि दीपावली जो होता है वो पूरे पाँच दिन का त्यौहार होता है और आज चौथा दिन है कल तीसरे दिन दीपावली हुई है और आज चौथा दिन है जब गोवर्धन पूजा हो रहा है और कल पाँचवा दिन होगा जब भाई दूज होगा ठीक so, है चलिए आप लोगों को गोवर्धन पूजा की ढेरों शुभकामनाएं खास करके जो भी वृंदावन के वासी हैं गोगल निवासी हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं समस्त भारत को इस बात की ढेर शुभकामनाएं ठीक है ठीके? आज एक छोटा सा टॉपिक है जिसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग को बात करना है इनफैक्ट इसके ऊपर कई क्वेरीज आ रही थी आ, बच्चे के लिए कोई बहुत छोटी सी बात है मैंने कई दफे कहा है लेकिन फिर भी कई क्वेरीज थी जिनको एड्रेस करते हुए मैं आपके लिए आज राइट्स के ऊपर बात करने वाला इट इज नॉट अबाउट द फंडामेंटल ये केवल फंडामेंटल राइट्स नहीं है दरअसल क्या है कि राइट्स को लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियां आपके दिमाग में आती रहती है राइट्स बोलते हैं राइट्स में जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे ज्यादा हम लोग को डिटेल में जाकर बात नहीं करना है हमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिहाज से बात करना है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं स्टार्टरी राइट्स क्या है फंडामेंटल राइट क्या है लीगल राइट क्या है एटसेट्रा तो खास करके आप देखेंगे कि दो तरीके के राइट्स ही हमें डिस्कस करने हैं एक है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और दूसरा हमें बात करना है स्टार्टरी राइट्स जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात करेंगे उसी वक्त हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या है ठीक है ना वहीं पे फंडामेंटल राइट्स क्या है मतलब क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट right है नहीं है etc. उन सारी चीजों के बारे में Basically हम लोग बात करेंगे एंड देन हम लोग बात करना है स्टैटरी राइट्स के बारे में बेसिकली हमें इन दो राइट्स के बारे में समझना है कि वॉट एक्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड व्हाट एक्जैक्टली स्टैटरी राइट्स ठीक है उसके अलावा सब इसके सब डिविजन है क्या वो फंडामेंटल राइट हो पॉलिटिकल राइट्स हो लीगल राइट्स हो इकोनॉमिक राइट्स हो ह्यूमन राइट्स एसेट्रा ये सारे के सारे अलग अलग राइट्स हैं ठीक है सो so आइए हम लोग राइट के बारे में बात करना शुरू करें ठीक है लेकिन उससे पहले प्लीज क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दीपावली जो है सभी भी चल रहा है लेकिन दीपावली का जो मेन त्यौहार था वो कल समाप्त हो गया है पढ़ाई लिखाई पे फोकस करना है लेकिन फिर भी मैंने अभी एक्टिव पढ़ाई इसलिए नहीं शुरू करी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी फेस्टिव मोड में होंगे और ऑफकोर्स होना भी चाहिए कल भाई दूस भी है तो बहुत सारे बच्चे अभी बाहर भी होंगे हो सकता है तो अपनी क्लासेस अगर हम क्लास लेते हैं फुल फ्लेजेड क्लास तो उन बच्चे सफर करेंगे तो उन बच्चों का भी ध्यान में रखते हुए अभी मैं कुछ ऐसा टॉपिक को लेकर डिस्कस कर लूँ आप लोगों से जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और काफी दिनों से ये आपकी एक लंबी क्वेरीज थी क्वेरी थी जो मेरे पास आई थी कई बार तो मैंने सोचा इसको आज तरीके से इसको हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं ठीक है so, सो सोई राइट्स के बारे में बात करेंगे उससे पहले प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए जब तक आप क्लास को लाइक और शेयर करते हैं तब तक मैं आपको थोड़ी सी जानकारी अपने बारे में दे दूँ कि देखिए इट्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी मोर देन टेन ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस आई आर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर अनकरंट अफेयर्स अभी जल्द ही मैं आपका गवर्नेंस प्लस पे शुरू करने वाला हूँ पॉलिटी जैसे खत्म हो जाएगा वैसे हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी इसलिए मैंने पॉलिटी की क्लास को अभी तक खत्म नहीं किया है अब जल्द ही प्लस पे जैसे वो खत्म हो जाएगा पीटी और मेन्स दोनों के लिहाज से फिर मैं गवर्नेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह भी शुरू करूंगा सो आई आर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर एंड करंट अफेयर दूसरा एग्जामिनेशन प्लानर एंड स्ट्रेटजस्ट एम ए गुड एंड स्ट्रेटजस्ट एक्सपर्ट मॉक इंटरव्यू पैनलिस्ट बहुत सारे जो आपके टॉपिक्स हैं उन्हें हमने क्या किया गाइड किया है ठीक है बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के प्लेटफॉर्म पे हमने उनसे इंटरेक्ट uh, किया और उन्हें जो भी अपना एक्सपीरियंस है जो नॉलेज है उनसे हमने उन्हें इनरिच भी किया है ठीक है दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि देखिए जब कभी भी आप तैयारी करते हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक का रणनीति होना जरूरी है एक मार्गदर्शन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपके पास मार्गदर्शन नहीं है रणनीति अगर आपके पास अगर नहीं है तो आप में भटकाव बहुत ज्यादा आने की संभावना रहती है भटकाव को कम करना चाहिए इसके लिए जरूरी ये है कि जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं या जिन्होंने खुद इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है उनकी राय लेनी चाहिए उनकी बातों को समझना चाहिए उनकी रणनीति को समझना चाहिए फिर अपना जो है सो अपनी रणनीति बनानी चाहिए और इसी लिहाज से अगर आप जो 2019 के जो टॉपर हैं जो जो रैंक वन है जो कि प्रदीप सिंह कुमार सिंह जी हैं उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अपने अन के प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ है अपने प्लेटफॉर्म पे है लेकिन ये अन के ऐप पर अवेलेबल है आपको यहाँ जा करके यहाँ पर मैं जो इनका और मेरा इंट्रैक्शन हुआ है वो बिगनर्स टू मास्टर्स स्ट्राटेजी यानी कि जो लोग बच्चे शुरू करते हैं जो बच्चे अभी एकदम शुरुआती दौर में जिन्होंने जस्ट ट्वेल्व दिया है और यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो इधर उधर भटकते रहते हैं उनको कोई सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है बेस्ट जगह है वो अन अकेडमी का यूपीएससी का प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म है आप यहाँ आइए हमसे जुड़िए और यहाँ से अपने आप अपने आप को इनरिच कीजिए और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी बिगनर्स टू मास्टर्स स्ट्राटेजी में जो भी आ, को सुनेंगे उनको डेफिनेटली जो रैंक वन है जो प्रदीप सिंह जी हैं उनके आइडियाज को सुनने का मौका मिलेगा उनकी स्ट्रैटेजी को सुनने का मौका मिलेगा और फिर अपनी रणनीति भी आप इवॉल्व कर सकते हैं आप अपनी रणनीति भी बना सकते हैं ठीक है सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हाईली आई विल रिकमेंड यू कि जो लोग भी मुझे आप देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं तो डेफिनेटली दो हजार के जो टॉपर हैं श्री प्रदीप कुमार सिंह जी उनको मेरे प्रोफाइल पे जाकर के आप उनको देखिए अन अकेडमी के ऐप पे जाएंगे मेरा नाम सर्च करेंगे पवन कुमार पॉलिटी तो आपको मिल जाएगा उसी में आपका बिगनेस टू मास्टर टाइटेजी है अगर आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो चिंता की बात नहीं है इस वीडियो के लिंक में नीचे आप जाएंगे वहां आपको मेरे प्रोफाइल का आईडी मिल जाएगा उस प्रोफाइल को आईडी को आप टच करेंगे आप सीधे के सीधे मेरे प्रोफाइल पर आएंगे मुझे फॉलो कर लीजिए थोड़े बहुत आपके इंक्वायरीज की जाएंगे वहाँ पे इंक्वायरी का मतलब इन्फॉर्मेशन ली जाएंगे आपको जैसे नंबर मोबाइल नंबर और आपका ई मेल वो आप वहाँ फीड कीजिए और मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए तो वहाँ पर जाकर के आप इनको देख सकते हैं इनको सुन सकते हैं इनको इनको इनफैक्ट आपको पढ़ना चाहिए कि इन्होंने क्या पढ़ाई करी उन सभी चीजों को जानना चाहिए समझना चाहिए ठीक है ना इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी उन सबको जानने समझने की जरूरत है ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजी को बना पाए तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप जो कोई भी जो बिगनर्स हैं जो स्ट्रैटेजी अब लेकर के अभी बिल्कुल आप आगे बढ़ने वाले हैं फेस्टिवल समाप्त होने वाला है दो की परीक्षाएं भी अगले महीने होने वाल, वाले अगले वर्ष होने वाली है जून में ठीक है दो और बाइस के जितने भी गंभीर छात्र हैं बाईस तेईस वाले उन सभी के लिए मौका है कि आप इनको सुने समझें और अपनी तैयारी को बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए अब, ठीक है? आपको यह पता होगा कि मेरी क्लास जो है वो प्लस की फिफ्थ ऑफ अक्टूबर से चल रही है 5th और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको पवन टेन का कोड यूज करना होगा दिस इज माय कोड पवन टेन यहां पर केवल क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी अभी यहां पर आपको जोग्राफी क्लास शुरू हुई है दो दिन पहले ठीक है दो तीन दिन पहले एंड uh, अभी हिस्ट्री भी कुछ दिन पहले शुरू हुआ है इकोनॉमी और पॉलिटिक्स यहाँ चल रहा है तो पूरा का पूरा बैच है जहाँ पर तमाम चीजें मिलने वाली हैं, तो यू शुड ज्वाइन दिस बैच फिफ्थ अक्टूबर फिफ्थ ऑफ अक्टूबर को शुरू हुआ था पॉलिटिक्स और अभी जोग्राफी शुरू हुआ है कुछ दिन पहले हिस्ट्री शुरू हुआ था उससे पहले इकॉनॉमी शुरू हुआ था सबसे पहले पॉलिटिक्स शुरू हुआ था ठीक है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको टेन का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको करना है क्या पवन टेन का कोड अप्लाई करना है अगर आप पवन टेन का कोड अप्लाई करेंगे तो आपको टेन परसेंट का गाइडेंस भी मिलेगा मेंटोरशिप भी मिलेगा ये तमाम चीजें आपको मिलने वाली सो यू शुड दिस बैच ठीक है so चलिए अब यहां देखिए होता क्या क्या है फायदा है जो भी बिगनर्स उनको बता दू मैं ये सारी क्लासेस लाइव होती हैं, टेस्ट सीरीज़ एंड क्विजे चलते रहते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलता है डाउट क्लियरिंग सेशन ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है जो कि अन अकेडमी ने अपने बच्चों को दे रखा है इसका मतलब ये है कि हर एक तीन क्लास के बाद आपके पास एक डाउट सेशन होता है। अगर आपके आपकी, वो की क्लास फिर क्लास, सेवन, तो से तीन क्लासेस हो गई तो फिर चौथी क्लास जो होगी यानी कि जो एट्थ क्लास है आपकी वो डेडिकेटेड क्लियरिंग सेशन होगा दिस इज थिंग क्योंकि आप जानते हैं जनरली आप कहीं भी जाए पढ़ने के लिए तो आपने पढ़ाई लिखाई कर लिया पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपके पास डाउट्स रह गए नहीं रह गए कुछ एक के डाउट्स सॉल्व हो जाते हैं कुछ एक के डाउट सॉल्व नहीं होते हैं लेकिन यहाँ पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि पूरा एक डाउट क्लियरिंग सेशन ही स्टार्ट रखा गया है इनफैक्ट जो मैं आपसे भी बता रहा था कि ये जो अपना बैच चल रहा है जो आपका फिफ्थ ऑफ अक्टूबर से है ये पूरे का पूरे सात घंटे का बैच है और इसमें कई डाउट क्लियरिंग सेशन भी है टेस्ट सीरीज भी है मेन्स के लिए भी चीजें हैं प्री के लिए भी तमाम चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और ये जैसे बैच खत्म होगा तो इसके साथ जुड़ी हुई जो भी एसी राइटिंग की क्लासेस एक्सेट्रा वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को आपको मिलेंगी वो आपको बेनिफिट आपको मिलेगा राइट right? चलिए टेस्ट सीरीज भी है क्विजेस भी है डाउटिंग सेशन से तमाम चीजें यहां पर होती रहती है अब आपको कैसे अन का सब्सक्रिप्शन लेना है इसके लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है इसे आपको इंस्टॉल करना है आपने इंस्टॉल कर लिया इंस्टॉल करने के बाद आपको प्लस की कैटेगरी में आना है प्लस की कैटेगरी में आने के बाद आपको क्या करना यूपीएससी सी एससी में आना है इसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन के लिए जाना है चले चलेगा जब गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो आपके पास पूरा का पूरा प्ला प्लान खुल के आ जाएगा यहां मैं आपको बता दू के बच्चे जो पुराने बच्चे होंगे उनको शायद ना हो इसलिए मैं बता कि पहले थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से पहले का यह सीनियो था कि आप अगर एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं वन सब्सक्रिप्शन तो आपके पास सब्सक्रिप्शन के साथ आपके पास जीएस और ऑप्शनल दोनों का अनलिमिटेड एक्सेस होता था जीएस और ऑप्शनल दोनों थे ठीक है ये दोनों चीजें थी ये बिफोर थर्टी फर्स्ट अक्टूबर लेकिन इसके बाद पॉलिसी चेंज कर गई है अब आपके लिए दोनों के कोर्सेज अलग अलग हैं जीएस के लिए आपको अलग परचेज करना होगा ऑप्शनल के लिए अलग करना होगा जीएस के लिए जो है ये कोर्स है ये ये कोर्स आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका प्लान है वन मंथ का थ्री मंथ का सिक्स मंथ का ट्वेल्थी सिक्स तो मैं कहूंगा कि इन सबों का कोई मतलब नहीं है कोई मतलब ही नहीं है यूपीएससी की तैयारी एक दिन की कहानी नहीं है ये कम से कम भी तो अठारह से बीस महीने की तैयारी है और जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं जो जस्ट अभी ट्वेल्थ करके आए हैं उनके लिए तो बिल्कुल

लेकर के आपको आगे डेफिनेटली बढ़ना चाहिए ठीक है मेरी सभी लोग समझ पा रहे है। so, प्लान है आपके पास एक साल दो साल और तीन साल का है तीन साल का पचास हजार रुपए का है दो साल का चालीस हजार रुपए का है एक साल का सत्ताईस हजार रुपए पांच साल सत्ताईस हजार पांच सौ रुपए का है तो आप देखेंगे कि काफी इकोनॉमिक है जो लोग

चालीस हजार का वो छत्तीस हजार का पड़ेगा पचास हजार का आपको पैंतालीस हजार बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं इन सारी चीजों के अलावा मुझे एक पर्सनल कोच चाहिए हमेशा जो मेरे पास रहे अवेलेबल रहे ठीक है so सो पर्सनल कोच का अगर प्रोविजन है तो अकेडमी ने वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी बिल्कुल जो है जो चाहते हैं कि गाइडेंस में हमारे पास हमेशा रहे तो उसके लिए एक और कोर्स शुरू किया दैट इज कॉल आइकॉनिक ये आइकॉनिक प्रोग्राम है दिस आइकॉनिक प्रोग्राम तो आइकॉनिक प्रोग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास पर्सनल कोच का भी प्रोविजन है इज फीडबैक का भी प्रोविजन है ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है ये आपके पास तीन ही बस अवेलेबल है एक साल के लिए दो साल के लिए और ये तीन साल के लिए वन ईयर का जो है, ये 69, का है दो साल का है, एक लाख सात हजार रुपए का है और छत्तीस हजार जो छत्तीस महीने यानी कि तीन साल का वो एक लाख इकतालीस हजार का है यहां भी आपको पावन टेन का कोड अप्लाई करना है यू हैव टू अप्लाई दिस अपई दिसन टेन का कोड आप अप्लाई करें ठीक है आपको जब अप्लाई कर देंगे इस कोड को पावन टेन का कोड अप्लाई करेंगे तो आपको टेन परसेंट डिस्काउंट के बाद ये फीस स्ट्रक्चर दिखाई देगा यानी कि जो उनहत्तर हजार पांच सौ रुपए का है वो आपको तिरसठ हजार पांच सौ पचास रुपए का पड़ेगा जो एक लाख सात हजार रुपये का है वो छियानवे हजार तीन सौ रुपए का पड़ेगा जो एक लाख इकतालीस हजार का है वो एक लाख छब्बीस हजार नौ सौ रुपए का पड़ेगा सो यू शुड यू कुड ज्वाइन एज फॉर योर एंड योर विशेष जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कर सकते हैं आइए हम लोग राइट्स के बारे में बात करने वाले हैं तो राइट्स की चर्चा हम लोग कर लेते हैं राइट्स के बारे में हम लोग बात करें देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ठीक है ये आप देख पा रहे हो राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात करें और फंडामेंटल राइट्स अब ये देखिए मैं थोड़ा तो सा आपको डायग्राम बना के बताऊं समझाऊं देखिए साहब ये ये है राइट्स राइट्स जब हमारे पास हैं तो एग्जामिनेशन नजर से हमारे पास दो चीजें आपको सुनने को देखने को मिलती है एक होता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ठीक है और दूसरा हमारे पास होता है जिसकी इसकी हिंदी होती है संवैधानिक अधिकार संवैधानिक अधिकार ये छोटी सी बात है लेकिन आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए कई बार आप लोग भूल जाते हैं कई लोगों को पता नहीं है था, को तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं सो so, संवैधानिक अधिकार ठीक है ना इस कॉल संवैधानिक अधिकार दूसरा हमारे पास है स्टैटोरी स्टैटरी राइट जिसको हम लोग बोलते हैं सांविधिक सांविधिक अधिकार जिनकी हिंदी अच्छी होगी समझ ही रहे होंगे आप लोग ठीक है सांवैधिक अधिकार ठीक है सो ये है संवैधानिक अधिकार वो है सांविधिक अधिकार अब इस दोनों में फर्क क्या है इन दोनों को हमें समझना होगा तो देखिए हमारे पास क्या है आप लोगों को ये पता होगा मैंने कई बार बताया भी है और आप लोगों को शायद मालूम भी होगा कि चुप संविधान है वो हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री है इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री सर्वोच्च कानून है इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम लॉ

कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अगर ये जितने भी राइट्स हैं अगर आप इसको देखें ये कौन सा राइट कॉल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मेरी बात को ध्यान से समझते एकदम बिल्कुल बिल्कुल बच्चे तरीके पढ़ाऊंगा समझाऊंगा बच्चे की तरीके से एकदम बिल्कुल एकदम एक चाइल्ड मतलब जो मैं अपना बच्चा समझ के वो पढ़ाऊंगा कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है तो आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स है दे आर कॉल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अब राइट कैसे हैं जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले, ले लेते हैं हमें आ जाइए आइए मेरे प्यारे बच्चों आइए समझते हैं हम लोग जो एकदम बिल्कुल न्यू कमर है उनके लिए ठीक है एग्जाम्पल्स लेते हैं जैसे आपको मालूम होगा आपके पास बोलने का अधिकार है मेरी बात समझते चलिए पहले एकदम आसानी से बोलने का अधिकार है बोलने का अधिकार है बोलिए कोई दिक्कत नहीं है राइट टू स्पीच है राइट टू स्पीच है सर बोलिए कोई दिक्कत नहीं है पहला अधिकार राइट टू स्पीच है बोलिए जो बोलने का मन करे वर, करे वो कीजिए जब मैं फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ाऊंगा ये जब मैंने जिनको पढ़ाया है उनको यह मालूम होगा कि बोलने का अधिकार तो है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो दिल में आई बात है वो बातें बोलनी है आपको ठीक है ना इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को आप गाली जाके देख करके के भाई बोलना है बोलने का अधिकार है अगले को आप बोलेंगे भाई सुन मेरी बात मेरा को गाली देने का मन करा दे दीजिए उसको जितना मन करे गाली नो इट इज नॉट राइट इट इज नॉट राइट आप ऐसा नहीं कर सकते फिर वो आपको बोलेगा अच्छा तेरे को ये राइट कैसे मिला रहे भाई बोलेगा भारत के संविधान से बोलने का अधिकार है तो बोला अच्छा ऐसा है हम भी भारत के नागरिक हमको भी बोलने का अधिकार है ले तू भी सुन वो आपको भी आपसे भी ज्यादा प्यारी प्यारी गालियां आपको सुनाना शुरू करेगा फिर उसका सीन तो देखने लायक लगेगा तो क्या आप बोल सकते हैं नहीं आपके पास क्या है कि जितने भी अधिकार दिए गए उन सब लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट्स में हम लोग बात करें जिन लोगों ने अभी फंडामेंटल राइट नहीं सुना है जिनको अभी कोई दिक्कत आ रही है तो पॉलिटी गुरु वाले चैनल पर चले जाइए मैं पॉलिटी गुरु वाले चैनल पर अभी ले रहा हूं फंडामेंटल राइट्स उसको देख लीजिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बहुत मजेदार तरीके से पॉलिटिक ग्रु वाले चैनल पर जाएकाडमी यूपीएससी का ही प्लेटफॉर्म है वो उस पर जाए आप वहां जाएंगे तो देखेंगे आपके फंडामेंटल राइट अभी शुरू हुआ है बिल्कुल नए तरीके से उसको पढ़ा रहा हूं मैं आपको ठीक है तो फंडामेंटल राइट right जिनका छूट गया है जिन्होंने नहीं पढ़ाई किया आप प्लीज जाके वहां पर देख लीजिए ठीक है सो आपके पास क्या राइट टू स्पीच आ गया बोलने का अधिकार है ठीक है चलिए सो बोलने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट right है बोलने का अधिकार बस फंडामेंटल राइट भूल जाइए ठीक है दूसरा अधिकार है आपके पास सर दूसरा अधिकार भी है वो भी देख लें दूसरा अधिकार क्या है आपके पास वोट देने का अधिकार है वोट देने का अधिकार देने का अधिकार मेरी बात को समझिए बहुत गंभीरता से समझिए बहुत तरीके right right है ठीक है तो अब ये दोनों के दोनों जो अधिकार हैं अगर मैं बात करूं अगर आपसे तो थोड़ा सा मैं यहां पर एक कलम चेंज करना चाहूंगा और वापस स्क्रीन पर लाना चाहूंगा कि जो राइट टू स्पीच है सर संविधान के आर्टिकल 19 वन के अंतर्गत दिया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज आर्टिकलॉज के अंतर्गत ठीक है ना और यही आर्टिकल 326 के अंतर्गत दिया गया है राइट टू वोट जिसको एडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है वैस मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है अब देखिए सर आर्टिकल किसके अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट आर्टिकल भी दिया गया है और ये आर्टिकल भी दिया गया है इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के दोनों जो राइट right हैं यहां पर के पास बोलने का अधिकार हो चाहे वोट देने का अधिकार हो दोनों ही बातें आर्टिकल में होने की वजह से संविधान में है इसका मतलब ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right. मेरी बात है सभी लोग ध्यान से समझिए ठीक है सभी लोग समझिए पहले आसानी से तो यानी कि दोनों को दोनों अधिकार संविधान में दिए गए हैं और इनका प्रावधान आर्टिकल उन्नीस में है इसका प्रावधान अनुच्छेद तीन में है बात हो गई खत्म हो गई अब एक मसला और आ जाता है एक नई बात आ जाती है उस नई बात को भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए नई बात क्या है सर अब ये जो राइट टू स्पीच है सर ये जो राइट टू स्पीच है जो बोलने का अधिकार है सर इसको बोला गया ये है फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट ठीक है और सर इसको बोला गया है जो वोट देने का अधिकार है इसको बोला गया पॉलिटिकल राइट पॉलिटिकल राइट समझ पा रहे हैं सर पॉलिटिकल राइट right. अब रही बात कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में बात आ गई तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right हो गए दोनों यहां तो दो बात ठीक है लेकिन इसको क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार है इसको क्यों फंडामेंटल बोला गया और ये भी संविधान में इसको क्यों पॉलिटिकल बोला गया क्यों बोला गया तो एक बात और भी है जो हमें समझनी है हमें इस बात को समझना होगा इतनी बात समझ पा रहे हैं मुद्दा समझ में आ रहा है कि ये हो गया बोलने का अधिकार ये भी संविधान में वोट देने का अधिकार यह भी संविधान में यह फंडामेंटल राइट यह पॉलिटिकल राइट ठीक है इतनी बातें हो गई अब आ जाइए अब रही बात कि सर आप हमसे पूछेंगे कि सर मुझे यह बात आप प्लीज बताएं कि सर ये दोनों के दोनों संविधान में है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं एक को आप फंडामेंटल राइट right बता रहे हैं एक को आप पॉलिटिकल राइट right बता रहे हैं भैया ये फर्क क्यों कर रहे हैं सर आप तो इसका भी जवाब है जो हमें समझना होगा जो बच्चे बिल्कुल अभी तैयारी करने के लिए आए हैं उनके लिए बिल्कुल आसानी से प्यार से समझिए और अब आगे चलेंगे तो ये छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी और आप चीजों को समझना शुरू कर देंगे जिनको पॉलिटी नहीं समझ में आती है ये छोटी छोटी जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है तो देखिए इसमें क्या है देखिए सर अब आ जाइए वापस आइए अपनी कहानी में जाते हैं सर ये देखिए ये है हमारा संविधान दिस कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है ये देख नहीं रहा होगा तो मैं कलम चेंज कर ले रहा हूं दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है ये सर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है अब कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास एक चीज होती है जिसको बोलते हैं लोग पार्ट भाग एक होता है संविधान में भाग

इसका मतलब क्या है कि अगर ये मैथ्स की किताब पुस्तक है, तो इसका मतलब मिलेगा समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से कि जो संविधान है इसमें भी जैसे कुछ चीजें हैं ठीक है थीके? जिसको बोलते हैं पार्ट यानी पार्ट वन में अलग टॉपिक होगा जिसका जिसके बारे में जिक्र किया होगा पार्ट टू में अलग होगा पार्ट थ्री में अलग पार्ट फोर में अलग जैसे पार्ट थ्री बात करता है मौलिक अधिकार के बारे में फंडामेंटल राइट इसका मतलब क्या है कि पार्ट थ्री के अंदर जो भी अधिकार दिए गए हैं वो सारे के सारे क्या है फंडामेंटल राइट right है पार्ट फोर बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में डीपीएसपी के बारे में पार्ट टू बात करता है नागरिकता के बारे में सिटीजनशिप के बारे में पार्ट वन बात करता है यूनियन इट्स टेरिटरीज के बारे में मेरी बात सभी लोग समझ पा गए इसका मतलब यह है कि संविधान में अगर कहीं भी अगर आपको फंडामेंटल राइट right देखना है

सर ये एक्सक्लूसिवली क्या है राइट्स आपके ये है फंडामेंटल राइट आप इसी संविधान के अंतर्गत आप देखेंगे भाग तीन के बाहर यानी कि भाग तीन के बाहर कई और अधिकार दिए गए हैं कई और अधिकार लेकिन ये संविधान के दायरे के अंदर ही हैं लेकिन ये सब संविधान के दायरे के अंदर ही होंगे तो इनको हम लोग अदर राइट्स बोलते हैं अदर राइट्स अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इसको क्या बोलेंगे अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अब देखिए इसमें आपके पास कुछ हो सकता है कि आपके धन से संबंधित हो तो उसको हम लोग बोलेंगे संपत्ति से अधिक संबंधित हो तो उसको राइट टू प्रॉपर्टी बोलेंगे प्रॉपर्टी बोलेंगे जैसे आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए आपके पास वोट देने का अधिकार है वोट देने का अधिकार है तो ये क्या है पॉलिटिकल मैटर है तो ये पॉलिटिकल राइट right हो गया ठीक है ना ये इसका प्रावधान आर्टिकल तीन में हो गया इसके अलावा आपके राइट टू ट्रेड एंड कॉमर्स है ठीक है ना ये अधिकार हो गया ठीक है तो जो कि आपके भाग तीन से बाहर है क्योंकि ये जो है पार्ट थ्री इसमें आर्टिकल कवर करता है बारह से लेकर के पैंतीस तक अगर आप यहां देखें तो मैंने आपको दिखाया क्या कि आर्टिकल तीन सौ एक के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है ठीक है जो कि बारह से पैंतीस से यानी कि पार्ट तीन में जो आर्टिकल कवर कर रहा है वो बारह से पैंतीस ही है तो इसके बियॉन्ड जा रहा है तो इसके बियॉन्ड अगर जा रहा है तो अदर कॉन्स्टिट्यूशन राइट हो गया अब वो राइट right किस तरीके का है अगर पॉलिटिकल नेचर का है तो पॉलिटिकल राइट right है अगर वो राइट right, प्रॉपर्टी का राइट right हो गया अगर वो ट्रेड एंड कॉमर्स से जुड़ा है तो ट्रेड एंड कॉमर्स का राइट right हो गया तो दिस इज कॉल्ड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो डिपेंड करता है नेचर क्या है फिर उस अकॉर्डिंगली उसको हम लोग क्या कर सकते हैं उसे हम परिभाषित कर देंगे कि भाई ये देखो ट्रेड एंड कॉमर्स का राइट right है ये प्रॉपर्टी का राइट right है ये वोट देने का राइट right है दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल राइट इट्स सेक्ट्रा फिर बात सभी लोग समझ पा रहे हैं ये सो so, ये तो बात हो गई आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right. इसका मतलब यह हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक एक क्या है? एक है, ब्रॉडर टर्म जिसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स भी आएंगे और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी आएंगे अगर इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी देखें तो आपको ये क्या दिख रहा है दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन राइट right हो गया ठीक है इसी में एक आ गया फंडामेंटल राइट right, और इसी में एक आ गया अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिस इज कॉल्ड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्योंकि हम लोग बात क्या कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में तो यानी कि ये सब आपने सबसे, पढ़ा होगा सेट थियरी तो आपको ये फंडामेंटल राइट्स और ये आपके ओसिया कॉल्ड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ये बात समझ में आ गई इसका मतलब यह हो गया कि जो राइट्स हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं दे आर कॉल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसकी प्रकृति दो तरीके की हो गई फंडामेंटल राइट अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ठीक है अब देखिए अब यह तो बात होगी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में और इसका फर्दर डिविजन हमने कर दिया फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट्स अब साहब एक मुद्दा आता है मुद्दा क्या आता है सर कि अगर मान लेते कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो संविधान के अंदर है ही नहीं ठीक है संविधान ने नहीं व्यवस्था की है ना ही वो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में ठीक है, है से? तो ऐसा है, कि तो हमारे एक संस्था है Parliament. Parliament. और यह पार्लियामेंट क्या है मैं आप बताऊंगा कि एक संस्था हैचर आप इसको ये समझिए लेजिस्लेचर जिसकी हिंदी होती है विधायिका ठीक है आप इसको और तर बच्चे के तरह बच्चे की तरह से समझिए भाई एकदम समझना है एक बार समझ लेंगे तो आप बहुत बेहतरीन काम करने वाले हैं आपको ये पता नहीं है है एक हो गया, तो सर, है, तो हो गया गया तो तो आप देखिए सर जो जो लेजिस्लेचर सेंटर में इसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट स्टेट में हो गया तो इसको बोलेंगे स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधान मंडल अब ये साहब क्या करते हैं ना इन सभी जगहों पे होता क्या है कि बिल से एक्ट बनता है एक्ट बनाया जाता है एक्ट कैसे बनेगा तो ये लोग क्या करेंगे बिल आते हैं फिर बिल जाते हैं गवर्नर के पास या इधर राष्ट्रपति के पास प्रेसिडेंट या इधर गवर्नर जब इसके ऊपर इनकी मोहर लग गई तो यह बन जाता है एक्ट यानी कि एक्ट कानून बन गया ठीक है अब देखिए पार्लियामेंट में अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों है दोनों मिलकर के बिल लेकर के आएगी और कुछ स्टेट्स में केवल एक हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली और किसी में दो दो हाउसेस हैं जैसे लेजिस्टिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली कई जगहों पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है केवल असेंबली है

एक्ट बना करके यानी कि कोई एक्ट लेकर के आए और इस एक्ट के माध्यम से आपको वो राइट दे दे ठीक है ना यानी कि पार्लियामेंट ने आपको कोई राइट दिया हो या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई राइट दिया हो या विधायिका ने कोई राइट दिया हो ने कोई राइट दिया हो तो ऐसे किसी राइट को हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी राइट सांवेदिक अधिकार ठीक है ना इसका मतलब क्या हो गया कि आप देखिए लेजिस्लेचर सेंटर स्टेट स्टेट में है राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर और इधर है हमारे पास व्हाट दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट दिस इज कॉल्ड पार्लियामेंट दिस इज कॉल्ड संसद ठीक है अब इन लोगों ने कोई भी चाहे इस संस्था ने चाहे इस संस्था ने अगर एक्ट बना दिया कानून बना दिया और इसके द्वारा अगर आपको कोई राइट अगर दिए गए ठीक है ना तो दिस राइटरी राइट, राइट, राइट जिसको हम लोग बोलते हैं सांवेदिक अधिकार मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं ये यानी कि जिसे विधायिका ने कोई भी कानून बना दिया हो ठीक है ना बना करके कोई राइट अगर आपको दिया जा रहा है चाहे पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा एक्ट बना करके तो उस राइट्स को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स या हिंदी बोलते हैं सांविधिक अधिकार जो मैंने लिखा था क्या बोलते हैं सांविधिक सांविधिक अधिकार सर समझ गए मेरी बात दिस इज कॉल्ड व्हाट सांविधिक अधिकार दिस इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी राइट्स ठीक है सर चलिए इतनी बातें समझ में आ गई इज इट क्लियर फटाफट मुझे एक बार बताइए सभी लोग जस्ट लेट मी नो एवरीथिंग इज ओके फाइन समझ में आ रही है इतनी बातें बताइए फटाफट गिव मी योर गेम फार्म कम लोग हुए तो क्या हुआ पढ़ने वाले लोग हैं हम कुछ करने वाले लोग हैं डोंट वरी जस्ट लेट मी नो समझ में आया ओके गाइस चलिए वेल एंड फाइन अब आज हम लोग वापस आते हैं राइट्स के मुद्दे पे देखिए सो so, एक तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right में फंडामेंटल राइट पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जैसे राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन राइट टू मूव समझ पा रहे हैं ये सारे जो अधिकार हैं आपके पास ठीक है आर्टिकल थर्टी टू के द्वारा अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने का अधिकार रेट जारी करवाने का अधिकार ये सारे सारे के फंडामेंटल राइट्स हैं इसके अलावा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए जो बियॉन्ड पार्ट थ्री के हैं अब ये बात समझ पा रहे हैं एग्जाम्पल राइट टू प्रोपर्टी मैंने दिया आर्टिकल थ्री हंड्रेड एट राइट टू फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स आर्टिकल तीन सौ एक में राइट टू डेट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326 सौ छब्बीस में राइट टू यूनिवर्सल फ्रेंच आर्टिकल थ्री ट्वेंटी के अंतर्गत बियॉन्ड पार्ट थ्री इसलिए यह क्या है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और यह मैंने आपको क्या बताया कि इनकी प्रकृति के आधार पर अगर वो पॉलिटिकल नेचर के हैं तो पॉलिटिकल राइट right, अगर वो प्रॉपर्टी के हैं तो प्रॉपर्टी का राइट ट्रेड एंड कॉमर्स का है तो ट्रेड एंड कॉमर्स राइट एक्सेट्रा ठीक है और ये पार्ट थ्री के अंतर्गत है तो ये हो गया पार्ट थ्री ठीक है पार्ट थ्री के अंदर तो ये हो गया फंडामेंटल राइट्स ये हो गया अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मेरी बातें सबको समझ में आ रही है सर इतनी बार समझ पा रहे ये तो समझा दिया हमने आपको ठीक है अब आइए देखते हैं राइट्स में क्या है दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एक्स्ट्रा का मतलब संविधान के बाहर ठीक है संविधान के बाहर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं दे आर क्रिएटेड बाई और गिवेन बाई पार्लियामेंट और स्टेट लेजि राज्य विधानमंडल समझ पा रहे हैं ये नहीं विधायिका के द्वारा बनाया गया जैसे उदाहरण के तौर पर देखें राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है क्योंकि इसका जिक्र फंडामेंटल राइट right में नहीं है लेकिन ये यहां से इनक, यह निकल के आता है इन्फरेंस यहां से आता है लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन सीख करने का अधिकार जो है राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्मेंट इज अटैट राइट राइट टू इनहेरिट राइट टू इनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेबर राइट बहुत सारे देखेंगे इन सबों को क्या किया गया है किसने बनाया है जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए सब पार्लियामेंट ने क्रिएट किया है पार्लियामेंट ने नॉट बाई कॉन्स्टिट्यूशन

पेड क्लासेस क्लासेस ये यहाँ पर सारी आपको टाइम वॉन्ट मैनर में अप्रोच के साथ पढ़ाई जाती हैं लाइव क्लासेस होंगी कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं कोई पेन ड्राइव क्लासेस नहीं टेस्ट डाउट क्लियरिंग सेशन ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं अवेलेबल होने वाली है ठीक है आप देखेंगे मेरे ही क्लासेस अगर आप आएंगे तो देखें अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको पॉलिटी गवर्नेंस आई हिस्ट्री ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी बैचेस आपको देखने को मिलेंगे मेरे अलावा जितने भी टॉप एडुकेटर्स हैं उन सभी से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा ठीक है ना आपको बस ये क्या करना होगा आपको पवन पवन का का कोड कोड अप्लाई अप्लाई करना है का अप्लाई करेंगे तो आपको एक तो टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलता है 10 का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा ही ऐसा बहुत मायने नहीं रखता है जो लोग करना चाहते हैं मैट, मैटर करता है कि आपको मेंटोरशिप मिलेगी मेंटोर मिलेंगे टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे एडुकेटर्स मिलेंगे आपके पास रेगुलर क्विजेस होंगे आपके पास रेगुलर

कि कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कोड अप्लाई करेंगे और अलग अलग आपको ऑप्शन अगर करना है तो आपके पास ये कोर्स फ्री है ठीक है ना जिसमें भी टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपको जीएस करना है तो आपके पास ये कोर्स फ्री है आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है सो गाइस आपके पास आप जान लीजिए दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन यूपीएससी प्रिपरेशन ठीक है ना नी का प्लेटफॉर्म स्टॉप सॉल्यूशन है for UPSC preparation के लिए ठीक है 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 भी भी आपको 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 मिल जाएगी YouTube पे सारी चीजें हैं ये पवन का बस आपको code apply करना यही याद रखना है कि अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस एक मेंटोरशिप तो डोंट फॉरगेट दिस है ना अप्लाई दिस एंड एंजॉय स्टडी ठीक है सो ऑल हैप्पी गोवर्धन पूजा वंस अगेन सो लेट्स इट Bye-bye. Take care, everyone. With lots of love and blessings, enjoy your day.